CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। सामाजिक सुरक्षा महिला और बाल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर 30 सितंबर तक मनाए जा रहे पोषण माह के तहत आज मोगा के अग्रवाल सभा महिला विंग के सहयोग से मोगा के एक कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं के अलावा स्कूली छात्राओं ने भी भाग लिया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य समाज को कुपोषण से बचाना और गर्भवती महिलाओं के भोजन के प्रति उन्हें जागरूक करना कि गर्भ के समय उन्हें किस तरह का भोजन इस्तेमाल करना चाहिए। आज के मॉडर्न जमाने में लोग सही आहार को छोड़कर जंक फूड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, खासकर छोटी छोटी लड़कियों की जिनको आगे चलकर एक अच्छी माँ बनना है। आजकल ज़्यादातर लड़कियों में आयरन की बहुत कमी हो रही है। वहीं इस सेमिनार में डॉक्टर गिल और डॉक्टर मोनिका ने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी दी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर मोगा डिप्टी कमिश्नर संदीप हंसोर अग्रवाल सभा महिला विंग की प्रधान मैडम भावना ने बच्चों को उनके द्वारा लिए जा रहे आहार के बारे में जानकारी दी और उन्हें जंक फूड खाने से परहेज करने के बारे में कहा। इस मौके पर 9वीं और 10वीं की छात्राओं द्वारा एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पोषण आहार सबसे अच्छा आहार था। वहीं इस मौके पर अग्रवाल सभा महिला विंग की ओर से घर से बनाकर लाया गया आहार भी सबको खिलाया गया और उसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस प्रोग्राम की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस और महिला सभा की ओर से शाम रोशन की गई। मौके पर श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल जन्म शताब्दी को समर्पित नुक्कड़ नाटक लहू भी पेश किया गया। छोटे छोटे प्रोग्राम, कोई ना कोई अवेयरनेस लैके, कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई साइकिल रैली करते रहे हैं, लेकिन ये असी अपने एजेंडे पर रखा हुआ सी ये प्रोग्राम, क्योंकि जरूरत सी कि माहरां वालों एक्सपर्ट्स वालों एक बार बच्चों पोषण बारे अच्छे खाने बारे अच्छिया ईटिंग हैबिट्स बारे जरूर दसा जाए। सो अज साढ़े नाल डॉक्टर गिल अपने सिविल हॉस्पिटल तो और डॉक्टर दीपाली खन्ना उन्होंने बड़े अच्छे ढंग नाल इन्हां नूं दस्या कि किवें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मिनरल्स वाइटामिनस ये अपने शरीर के चंगे सिरजना वास्ते किवें अपना योगदान पाते हैं। नाल दे नाल ये दस्या गया कि हीमोग्लोबिन कितनी जरूरी है ताकि जिहड़ा अनीमिया नूं जिहड़ा है चेक कर सकदे। एक महीना कंटीन्यूअस चलेगा प्रोग्राम, एक कंटीन्यूअस एक महीना चल रहा है। अलग अलग स्कूलों हाँ जी स्कूलों कॉलेजों के भी सेमिनार एक पिंडां च भी चल रहा है, इतों आशा वर्कर भी चल रहा है, इतों आंगनवाड़ी वर्कर भी चल रहा है। मेरा मेन फोकस जिहड़ा है वो न्यूट्रीशन पर है। न्यूट्रीशन छोटिया बच्चियों तो लैके किशोर बच्चियों तक और अगले जिहड़ियां लेडीज़ है प्रैगनेंट लेडीज़ है लैक्टेटिंग मदर्स है हरेक नूं कवर करना है ताकि जिहड़ा एक पौष्टिक आहार जिहड़ा है उहनूं एक हैबिट बना के लेडीज़ आप भी खाण दूसरे। आज हम अग्रवाल वुमेन सेल की तरफ से यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं डीसी साहब के आदेश के अनुसार। ये जैसे हम सबको पता है कि ये जो सितंबर महीना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोषण मंथ डिक्लेयर किया हुआ है, तो उनकी तरफ से हमने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है ताकि सबको जो महिलाओं के लिए पोषण कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एनीमिया की बीमारी इतनी ज़्यादा है आयरन की डेफिशिएंसी से कि किसी को कुछ भी नहीं पता। तो हमने एक छोटा सा सेमिनार यहाँ पे ISF कॉलेज में किया है जहाँ पे DC साहब ने पधारकर वहाँ पे अपना हमें अमूल्य समय दिया और बच्चों को अपना थोड़ा सा अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि आज भी वो कितनी रूटीन वाले काम करते हैं जिससे उनको जो बहुत अच्छे हैं। तो हम सबको ये काम करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहिए, जिसमें हमारा मेन टॉपिक था हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। हमने उसमें दिखाया कि हम घर का खाना खाएं तो कितना अच्छा है, जंक फूड से हमें कोई फ़ायदा तो नहीं अपितु उससे नुकसान ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम सबको यही अनुरोध करेंगे कि आप घर पर बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि आप अपने शरीर को अपने देश को अपने घर को हमेशा स्वस्थ बना सकें। हाँ जी, आज हमने हमारा जो अग्रवाल वुमेन सेल है उसके जितने भी सदस्य हैं हम सब अपने घर से एक एक अपने घर का खाना बना के लेके आए हैं, हेल्दी फूड बना के लेके आए हैं और वो सब हमने डिस्प्ले किया था यहाँ पे, जो सबने ही बहुत पसंद किया, क्योंकि हम महिलाओं पे ही ये डिपेंड करता है, बच्चों को जो हम देंगे वो खाएंगे। अगर हम खुद घर पर थोड़ी सी कोशिश करके कुछ अच्छा बनाते हैं तो बच्चे उसे ज़रूर ट्राई करते हैं। हम घर पे ही उनको केक जैसे हम मैदे से बनाते हैं, हम आज यहाँ पे आटे वाला केक बना के लेके आए थे और अब यकीन मानिए सबसे पहले वही ख़त्म हुआ है। सबको वो इतना पसंद आया कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो मैदे का केक नहीं है।
और हमने यहाँ पे कस्टर्ड बनाया, इडली बनाई, सैंडविचेस बनाए मल्टीग्रेन ब्रेड के, ढोकला है, चना चाट है, वो भी सबको बहुत पसंद आया। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो घर की महिलाएं हैं वो ही घर की बैकबोन होती हैं। अगर वो थोड़ा सा कुछ एफर्ट करें, थोड़े से योगदान दें अपने, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को और सबसे पहले खुद को, क्योंकि अगर वो खुद स्वस्थ होंगी तभी अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। बस मेन काम यही है कि हमें अच्छा खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है।